नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। 11 अगस्त को बड़े पर्दे पर जहां एक तरफ सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 रिलीज होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म OMG 2 भी रिलीज होने वाली है। दर्शकों में इन दोनों फिल्मों को लेकर एक्साइटमेंट काफी देखने को मिल रहा है, लेकिन इस वक्त हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिर एडवांस बुकिंग में सनी देओल और अक्षय कुमार में से किसकी फिल्म है जो आगे चल रही है। तो चलिए, इंतजार किस बात का है आपको बताते हैं। गदर 2 और OMG 2 में से आखिर कौन सी फिल्म है जो बाजी मार रही है। आपको बता दें कि गदर 2 को लेकर दर्शकों में गजब का भौकाल देखने को मिल रहा है। फिल्म के गाने और इसका टीजर दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आया है। वहीं गदर 2 के ट्रेलर ने भी पहले ही हाइप क्रिएट कर दिया था। यही वजह है कि रिलीज के 10 दिन पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी। एक लीडिंग वेबसाइट की रिपोर्ट की अगर माने तो लगभग 56,000 टिकट्स अभी तक बिक चुकी हैं। इसी के साथ फिल्म ने 1.47 करोड़ रुपए की कमाई भी कर ली है। वहीं बात करें अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 की, तो फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए तो OMG 2 के लगभग 73,000 टिकट्स अब तक बिक चुकी हैं। इसी के साथ फिल्म ने 25 लाख की कमाई फिलहाल एडवांस बुकिंग के जरिए कर ली है। कहना गलत नहीं होगा कि एडवांस बुकिंग में फिलहाल सनी देओल की फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म से आगे चल रही है। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल दोनों ही फिल्मों की रिलीज में फिलहाल एक हफ्ते का समय बचा है। ऐसे में दोनों ही फिल्में एडवांस बुकिंग से और भी ज्यादा कमाई कर सकती हैं। बात करें गदर 2 की, तो अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 22 साल बाद दर्शकों को एंटरटेन करने नजर आएगी, और जिसकी वजह से अभी भी दर्शकों में इस फिल्म को लेकर अलग ही लेवल का क्रेज बना हुआ है। गदर 2 का पहला पार्ट 22 साल पहले आया था, जो कि दर्शकों को काफी पसंद आया। वहीं अब गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल के अलावा उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर और लव सिन्हा भी अहम रोल में दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान के वॉर पर बेस्ड होगी। इस बार तारा सिंह अपने बेटे को वापस लाने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में जमकर एक्शन देखने को मिलेगा। बात करें अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 की, तो बताया जा रहा है कि ये फिल्म सेक्स एजुकेशन पर बेस्ड होगी। फिल्म में अक्षय कुमार भगवान शिव के दूध के किरदार में दिखाई देंगे। वहीं पंकज त्रिपाठी स्कूल के टीचर के रोल में दिखाई देंगे। वहीं यामी गौतम फिल्म में वकील की भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। ये फिल्म OMG का सीक्वल है। सुनने में आ रहा है कि CBFC ने इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दे दिया है। अक्षय की ये फिल्म सोशल ड्रामा फिल्म है, जिसमें बेहद ही अहम मुद्दे को फिल्म में दिखाया गया है। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस पर आखिर कौन सी फिल्म है जो बाजी मारती है। आप किस फिल्म को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।